हेलो एरियन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो व्हाट आर रीडिंग अबाउट टुडेज क्लास? तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लॉर्ड कर्जन। यानी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लॉर्ड कर्जन के बारे में, जो कौन कौन से कृषि साहब, जैसे कि आप कृषि साहब बैंक की स्थापना की थी, पुरातत्व संरक्षण की स्थापना, तो इस क्लास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो व्हाट आर रीडिंग अबाउट लॉर्ड कर्जन, लेट्स सी दैट। ठीक, वायसराय लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत के वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन थे 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। और जब ये भारत के वायसराय के पद पर रहते हुए इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डी इंपीरियल कैडेट कोर। जो ये डी इंपीरियल कैडेट कोर क्या है, व्हाट इज द इंपीरियल कैडेट कोर, तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको बताऊंगी डी इंपीरियल कैडेट कोर क्या है। देखिए, द इंपीरियल कैडेट कोर उस जमाने में बड़े बड़े जो राजाओं महाराजाओं के बेटों को क्या है, अच्छे स्कूलों में शिक्षा देने के लिए, और स्कूलों में क्या है, आपका सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए द इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। ये कोर किसके काल, शासन काल में स्थापित किया गया था? ये आपके लॉर्ड कर्जन के शासन काल में स्थापित किया गया। तो आज हम देखेंगे द इंपीरियल कैडेट कोर के बारे में। देखिए, डी इंपीरियल कैडेट कोर के द्वारा क्या है, राजाओं, या आपका राजाओं हो गया, नवाबों हो गया, और बड़े व्यापारियों के बच्चों को सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि डी इंपीरियल क्रेडिट कोर क्या है, एक संस्था थी ना, ये देखिए डी इंपीरियल कैडेट कोर क्या है, एक एजुकेशन संस्था थी जिसमें क्या है, राजाओं हो गया, नवाबों हो गया, और क्या बड़े व्यापारियों के बच्चों को क्या सैनिक स्कूल में प्रशिक्षण दी जाती थी। ठीक है, ये सिर्फ ना बड़े बड़े व्यापारियों, सैनिकों, नवाबों और राजाओं के बेटों को ही दिया जाता, लेकिन छोटे बच्चों को इसमें, जो गरीब घर के बच्चे थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो ये थे आपका दी इंपीरियल कैडेट कोर। देखिए, सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केंटा में एक सैनिक स्कूल खोला गया। देखिए, केंटा आपका, यहाँ पे देखिए, सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, मतलब आपका सैनिकों के जो अधिकारियों, जो सैनिकों के जो ऊपर अधिकारी होते थे, उनके लिए क्या है, केंटा में एक क्या सैनिक स्कूल खोला गया ना। कहाँ खोला गया आपका, केंटा में, सैनिक के अधिकारियों, अब देखो सैनिक से ऊपर जो होते थे अधिकारियों, उनके लिए क्या है, केंटा में एक स्कूल प्रशिक्षण खोला गया ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दी इंपीरियल कैडेट कोर में शामिल होने के लिए, देखिए ये संस्था है, ये संस्था का नाम है दी इंपीरियल कैडेट कोर ना, में शामिल होने के लिए क्या है, एक परीक्षा देनी होती थी, जिसे किचनर टेस्ट कहा जाता था। जिसे क्या है, किचनर टेस्ट कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब क्या है, जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, संस्था में प्रवेश के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, आपका एडमिट टेस्ट लिया जाता है, तभी तो आप उसमें भर्ती होकर आगे की पढ़ाई के लिए आप आगे आवेदन लगाते हैं। उसी प्रकार उस समय ये था कि डी इंपीरियल कैडेट कोर में आपको एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट पेपर देना होता था, जिसे क्या कहते हैं, आपका किचनर टेस्ट कहा जाता था ना। उसके बाद है आपका सेना सुधार करने के लिए। अब यहाँ पे जो सेना में सुधार करने के लिए क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय ब्रिटिश सेना का जो मुख्य सेनापति कौन था, आपका लॉर्ड किचनर था ना। उस समय क्या था, सेना में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, भारतीय सेना में सुधार करने के लिए ना, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, जो भारतीय ब्रिटिश सेना उस समय क्या था, जो भारतीय के जो प्रमुख सेनापति कौन था, आपका लॉर्ड किचनर था ना। यानी भारतीय ब्रिटिश सेना का मुख्य क्या कौन था, आपका लॉर्ड किचनर था। ये देखिए, सेनापति आपका लॉर्ड किचनर था, यानी लॉर्ड किचनर को बनाया गया था भारतीय सेना, जो भारतीय सेना था। जैसे कि अभी नहीं है आपका भारतीय सेना प्रमुख जनरल कौन है, आपका बिपिन रावत। तो उस समय क्या, जो ब्रिटिश सेना, जो भारतीय सेना का प्रमुख सेनापति कौन था, आपका लॉर्ड किचनर को बनाया गया था। ओके, समझ में आया बात आप लोग को। अब नेक्स्ट पढ़ें, 1902 में कर्जन ने क्या है, सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, उन्होंने क्या, सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में एक क्या है, पुलिस आयोग का गठन किया। ओके, समझ में आए। अब देखते हैं हम, ये पुलिस आयोग, यानी पुलिस आयोग 1902 के प्रधान क्या क्या थे। अब उस समय जब लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किया,
तो उस समय क्या है, पुलिस आयोग गठन के कौन कौन से प्रमुख प्रावधान और तथ्य थे इसके बारे में हम देखते हैं। लेट्स सी, पुलिस आयोग के द्वारा 1903 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब किसके आयोग के द्वारा, देखिए पुलिस आयोग ने एक रिपोर्ट क्या प्रस्तुत की 1903 में ना, ये देखिए पुलिस आयोग के द्वारा 1903 में क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एक 1903 में क्या है, पुलिस आयोग ने लॉर्ड कर्जन के सामने एक क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में क्या था, देखिए प्रांतीय पुलिस बल में वृद्धि करने का निश्चय किया। देखिए अब आप ये जो प्रांतीय पुलिस बल में क्या वृद्धि करने का निश्चय किया गया। प्रांतीय मतलब आपका जो राज्य एक अलग भाग था उसमें क्या पुलिस बल यानी पुलिस फोर्स में क्या वृद्धि करने का निश्चय किया। ये कौन से आयोग गठन द्वारा किया गया था, ये पुलिस आयोग के गठन द्वारा ये निश्चय किया गया था कि इस क्षेत्र में पुलिस बल में वृद्धि करना चाहिए। ओके, समझ में आया आप लोग को बात। उसके बाद हम तीसरा फैक्ट पढ़ते हैं, सिपाहियों को छानबीन के लिए गांव में जाने का। देखिए अब सिपाहियों को छानबीन के लिए क्या है, गांव में जाने का अधिकार प्रदान करने का निश्चय किया। अब यहां पे लॉर्ड कर्जन ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो पुलिस को किसी भी जो अपराधी हो गया, किसी भी जिसे मर्डर हत्या डकैती या उस समय जो भी होता था उसमें क्या पुलिस को छानबीन करने के लिए गांव में जाने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन लॉर्ड कर्जन के काल में आप पुलिस छानबीन के लिए गांव में जाने का अधिकार का निश्चय किया। यानी गांव में जाकर आप किसी भी खोज या छानबीन का आप कर सकते हैं, इससे आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। ओके, उसके बाद चौथा, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार न करने का निश्चय किया गया। देखिए उस समय क्या होता था, जो ब्रिटिश काल में आप किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह के आधार पर आप जेल में डाल सकते थे, मतलब उसको आप कोई भी मुकदमा कानून लगा सकते हैं। लेकिन कर्जन ने क्या किया, आप किसी भी व्यक्ति को बिना किसी संदेह पर आप जेल जाने के लिए निश्चय नहीं कर सकते। तो इसके बारे में कर्जन क्या कहा, कोई भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार ना करने का निश्चय किया गया था। मैंने आपको बताया कोई भी व्यक्ति राह में चल रहा है तो आप उसको संदेह के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उसका पर्याप्त सबूत होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पढ़े पांचवा, गुप्तचर विभाग की। अब क्या की उसने, गुप्तचर विभाग यानी आपका गुप्तचर विभाग की स्थापना की। किसने, आपका लॉर्ड कर्जन ने ये गुप्तचर विभाग की स्थापित करने का निश्चय किया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, गुप्तचर विभाग को स्थापित करने का निश्चय किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं छठवा, पुलिस बल के प्रशिक्षण। देखिए अब ये पुलिस बल फिर आया, पुलिस बल के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निश्चय किया। अब उस जमाने में क्या, पुलिस बल को जो एक प्रशिक्षण देने के लिए कि स्कूल खोलने का भी निश्चय किया, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कृषि बैंकों की शुरुआत भी। देखिए अब जो आज के समय हम जो ग्रामीण बैंक जाते हैं, कृषि ग्रामीण बैंक, वो किसके काल में शुरुआत की थी, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने ही कृषि बैंकों की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर कृषि बैंकों की शुरुआत की कर्जन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। यानी किसके कार्यकाल में थे, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही कृषि बैंक की स्थापित किया गया था। ओके, समझ में आया। उसके बाद 1902 में सर टॉमस रेले, ये आपका सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय, यानी किसकी अध्यक्षता में, आपका सर टॉमस रेले किसकी अध्यक्षता में, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय यानी वन यूनिवर्सिटी आयोग गठन किया गया। किसकी गठन किया गया, एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसमें क्या सैयद हुसैन और गुरुदास बनर्जी इसके सदस्य थे। किस सदस्य थे, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया जिसमें किस सदस्य थे, सर सैयद हुसैन और क्या गुरुदास बनर्जी इसके सदस्य थे। और इसी आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर ना, विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर, देखिए और इसी विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर 1904 में आपका 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय, ये आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। देखिए किसके किसके मतलब
किसके अध्यक्षता में? सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में ही एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। कब पारित किया गया? आपका 1904 में, ना याद रखेंगे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ये देखिए पारित किया गया इस, अब जो ये क्या था विश्वविद्यालय अधिनियम पारित के क्या प्रमुख प्रावधान थे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स सी दैट। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों की संख्या पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। देखिए अब जो इस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो प्रत्येक विश्वविद्यालय की संस्थाओं, मतलब जो विश्वविद्यालय के जो अलग अलग संस्थाओं होते थे उस पर क्या है नियंत्रण यानी कंट्रोल नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विश्वविद्यालय की सीमा को क्या किया। अब यूनिवर्सिटी की सीमा को निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ क्या है वायस राय को प्रदान कर दिया गया था। देखिए अब लॉर्ड कर्जन ने क्या नियम किया गया, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी विश्वविद्यालय उसकी जो सीमा निर्धारित करने का जो कार्य था वो किसको अधिकार दिया गया था, आपके वायस राय को ये अधिकार प्रदान किया था। वायस राय के अलावा कोई यह कार्य नहीं कर सकता था। ओके उसके बाद सीनेट के सदस्यों की संख्या, आपका ये सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई ना, 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया कि ये सीनेट क्या है, व्हाट इज सीनेट, यानी कई लोगों के दिमाग में आया कि सीनेट सब। देखिए सीनेट क्या है, उस समय जो विश्वविद्यालय परिसर में जो कार्यकारिणी सभा के जो व्यक्ति होते थे उनको सीनेट कहा जाता था। तो सीनेटों की संख्या क्या है 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई, यानी कि विश्वविद्यालय कार्यकारिणी सभा की जो संख्या 50 थी उसको बढ़ाकर 100 कर दी गई। समझ में आया? ओके गॉट इट। ओके उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या है, गुरुदास बनर्जी ने इसका विरोध किया। देखिए अब उसके बाद क्या है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे गुरुदास बनर्जी ने इसका विरोध किया। देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश गुरुदास बनर्जी ने इसका विरोध किया था। उसके बाद कर्जन के कार्यकाल 1904। देखिए अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखिए प्राचीन स्मारक यानी जो हमारे भारत देश में बहुत से प्राचीन स्मारक है इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, किसने किया था, किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने ही प्राचीन स्मारक, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1904 में क्या है प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया गया है ना, परीक्षण अधिनियम पारित किया गया। और जो इस प्राचीन अधिनियम में कौन कौन से जो प्रावधान पारित किए गए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्राचीन अधिनियम पारित के तहत सबसे पहले भारत में पहली बार यानी आपका भारत में पहली बार प्राचीन इमारतों पर ध्यान देने की कोशिश की गई थी। यानी क्या इंडिया में सबसे पहले किसके शासनकाल में कौन थे वायसराय, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन भारतीय इमारतों पर ध्यान देने की कोशिश की गई थी। इसलिए ये अब मैं आपको अच्छे डिटेल समझाता हूँ कि प्राचीन इमारत क्या है। देखिए आज के समय में जो हम कभी भी किसी नई जगह पर जाते हैं, जैसे कि आपने कभी दिल्ली गया हुआ लाल किला गए होंगे, तो लाल किले की जो सुरक्षा के लिए सबसे पहले मतलब वहाँ आज भारत सरकार के ASI उपलब्ध होते हैं और बहुत सारे सैनिक गार्ड उपलब्ध होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इन पर कोई क्षतिग्रस्त या फिर टूट फूट ना जाए, इनकी मरम्मत किया जाए, तो ये एक संरक्षण धरोहर होता है। तो इसकी संरक्षण का जिम्मेदारी कौन उठाता है, आपका भारत समय। उस समय जो राजा महाराजाओं के बड़े बड़े किले होते थे जो आज खंडहर में तब्दील हो गए, तो उनको सुरक्षित करने का दायित्व किनके द्वारा उठाया जाता है, आपका भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा यह दायित्व उठाया जाता है। तो इन्हीं को सबसे पहले किसने शुरुआत किया था, लॉर्ड कर्जन ने शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी के नेतृत्व में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ये एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए अब नेक्स्ट और पढ़ते हैं कि दुर्लभ वस्तुओं के लिए संग्रहालय बनाने की शुरुआत की गई थी। देखिए लाटकर अब ये संग्रहालय क्या है, संग्रहालय यानी म्यूजियम। जैसे कि आप अपने कभी भी छुट्टी होते हैं तो आप बाहर जैसे घूमने जाते हैं तो आप बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ म्यूजियम, जैसे कि आपका दिल्ली में इंदिरा गांधी संग्रहालय है म्यूजियम है, तो आप वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ क्या होती है इंदिरा गांधी की जो ऑफिस से कार्यकाल में उनके जो जीवन में जो भी घटनाएं घटी है तो उस चीज को काफी सुरक्षित रखकर कांच में रखा। जैसे कि आप संग्रहालय में जाएंगे, आप
और संग्रहालय है वहाँ पे, जिसकी इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट एंड गैलरी हो गया। तो इन संग्रहालय में जाएंगे तो आपको पुराने समय के मोहन जोदड़ो, हड़प्पा शासनकाल, बहुत सारे शिवलिंग, मुरे, तो इन सबको क्या है, म्यूजियम है, नेहरू आर्ट गैलरी, जो आपका यहाँ है जनपथ रोड न्यू दिल्ली में है। क्योंकि मैं भी गया हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे संग्रहालय में बहुत सारे पुराने जमाने के हथियार, नेवल शील, राजा महाराजाओं के जितने भी तलवार हथियार थे उनको म्यूजियम में एक सजा कर रखा गया है। तो इसकी तो इसी को क्या है, म्यूजियम कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं, जहाँ पुराने वस्तुओं को काफी अच्छी तरह से सजा कर रखा जाता है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। ओके, नेक्स्ट पढ़ें। उसके बाद है कर्जन के कार्यकाल का सबसे विवादित, यहाँ पे तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कर्जन के कार्यकाल का सबसे जो विवादित क्या था, आपका 1905 में बंगाल का विभाजन, यानी ये उन पे दाग लगा था जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया। कर्जन के कार्यकाल का सबसे विवादित कार्य कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन माना जाता है। देखिए देखिए अब यहाँ पे क्या क्या, 1 फरवरी 1904 को कर्जन ने पूरी बंगाल, आधुनिक बांग्लादेश का दौरा किया था। कब किया था, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1 फरवरी 1904 को, 1904 में कर्जन ने क्या, पूर्वी बंगाल, पूर्वी, मैं आपको समझाता हूँ पूर्वी बंगाल किसे कहते हैं, पूर्वी बंगला, आधुनिक बांग्लादेश का दौरा किया था। क्या हुआ था उस समय, देखिए उस समय पूरी बंगाल किसको बोलते हैं, पूरी बंगाल क्या है, आधुनिक बांग्लादेश, जो अभी क्या है ढाका। देखिए उस समय क्या है, जो आपका बांग्लादेश, सॉरी, जो आपका बंगाल क्षेत्र काफी बड़ा था उस समय, क्या बांग्लादेश में क्या है आपका आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आता था, असम के कुछ भाग आते थे और बांग्लादेश आता था। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, 19 जुलाई 1905 को शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में क्या है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कहाँ की गई थी आपका, देखिए 19 जुलाई 1905, कब, 19 जुलाई 1905 को शिमला में हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपका शिमला, वहां की गई थी कि हम बंगाल को तोड़ेंगे, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और जो इस योजना को कब किया गया था, वहां घोषणा की गई थी, और इस योजना का जो पालन कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को क्या है, बंगाल विभाजन की घोषणा लागू की गई थी। देखिए 19 जुलाई 1905 में क्या हुआ, आपका शिमला में क्या है, बंगाली भजन की सिर्फ एक घोषणा की गई थी, लेकिन जिसको लागू कब किया था आपका, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लागू की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है बंगाल को, आपका जो पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना, बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, एक है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा है आपका पूर्वी बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल किसको बोलते हैं, पूर्वी बंगाल में आपका आता है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, उसमें बहुत बड़े एरिया था, जिसमें मैंने बताया कि इसमें कौन कौन से स्टेट आते थे। देखिए जिसमें क्या, पश्चिम बंगाल का 5 करोड़, उस समय जो जनसंख्या कितनी थी आपकी, पश्चिम बंगाल का 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी। आपको लग रहा होगा, सोच रहे होंगे ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है यार, 5 करोड़ 40 लाख, तो ये सिर्फ आपका क्या पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या नहीं थी, इसमें क्या है बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ, टोटल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख इनकी जनसंख्या थी। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जो उस समय जो बंगाल और बिहार की जो जनसंख्या थी 3 करोड़ 40 लाख, ये 3 करोड़ 10 लाख, किसी किसी बुक में ये दिया है, तो उस समय 3 करोड़ 10 लाख थी किसी किसकी जनसंख्या, आपका बिहार और उड़ीसा और क्या आपका असम हो गया, इसे भी मिला लिए और पूरी बांग्लादेश यानी ढाका, इन सब की जनसंख्या मिलाकर क्या थी, छोटे तक बिहार और उड़ीसा की जनसंख्या कितनी थी, 3 करोड़ 10 लाख थी। तो इन सभी को मिलाकर जो आपका क्या है, पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, असम हो गया, बिहार, उड़ीसा, इन सब बड़े एरिया को मिलाकर 5 करोड़ 40 लाख इनकी जनसंख्या थी। ओके, उसके बाद जो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था आपका, 7 सितंबर 1904 को क्या तिब्बत के मध्य भी एक समझौता किया था, तिब्बत को मिलाने का प्रयास किया, और जो तिब्बत के मध्य इनके बीच समझौता हुआ था, कब हुआ था, 7 सितंबर 1905। तो जो इसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ब्रिटिश भारत के मुख्य सेनापति, देखिए अब जो ब्रिटिश भारत के मुख्य सेनापति, मैंने आपने क्या बताया, लॉर्ड किचनर, किचनर के मतभेद के चलते 1905 को
देखिए अब क्या हुआ, लॉर्ड किचनर के बीच, देखिए लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड किचनर के बीच जो क्या है, किसी बात को लेकर ब्रिटिश भारत में चलते किसी बात को लेकर मतभेद चलते, उनमें क्या किया 1905 में क्या है, लॉर्ड कर्जन ने क्या है वायसराय के पद से त्याग पत्र दे दिया और वापस वहाँ इंग्लैंड चले गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैं समझाया हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो क्यों ना हम वंस अगेन रिवाइज फिर से करते हैं जिससे कि आपको डाउट क्लियरेंस काफ़ी अच्छे से हो। तो हम पढ़ रहे हैं वायसराय लॉर्ड कर्जन, कब से कब तक थे ये वायसराय, 1899 से 1905 तक ये भारत के वायसराय थे। देखिए अब मैंने बताया दी इंपीरियल कैडेट कोर, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा आप लोग को एक बार, तो आप लोग अच्छे समझ में आए, थोड़े समझने की कोशिश कीजिए। दी इंपीरियल कैडेट कोर क्या है, दी इंपीरियल कैडेट कोर में के द्वारा क्या है राजाओं नवाबों और बड़े व्यापारियों के बच्चों को सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य था। देखिए नवाबों बड़े बड़े राजाओं नवाबों और व्यापारियों के बेटों को जिनके सन थे उनको क्या है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कैंटा में एक सैनिक स्कूल खोला गया था। तीसरा है दी इंपीरियल कैडेट कोर में शामिल होने के लिए एक परीक्षा देनी होती थी जिसे किचनर टेस्ट कहा जाता था। सेना में सुधार के लिए क्या है लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय ब्रिटिश सेना का जो प्रमुख मुख्य सेनापति लॉर्ड किचनर को बनाया था। 1902 में क्या है कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेज़र की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। ओके समझ में आया बात। उसके तहत पुलिस आयोग 1902 के प्रधान क्या क्या थे, देखिए पुलिस आयोग के द्वारा 1903 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सबसे पहला, फिर प्रांतीय पुलिस बल में वृद्धि करने का निश्चय किया गया। उसके बाद सिपाहियों को छानबीन के लिए गांव में जाने का अधिकार की अनुमति दी गई। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार न करने का निश्चय किया गया। फिर गुप्तचर विभाग को स्थापित करने का निश्चय किया गया। फिर छठवां पुलिस बल के प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निश्चय किया गया। कृषि बैंकों की शुरुआत भी कर्जन के कार्यकाल से शुरू हुई थी। 1902 में कर्जन ने सर टॉमस रेली के हत्या में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया जिसमें सैयद हुसैन और गुरुदास मुखर्जी इसके सदस्य थे। समझ में आया और क्या, और इसी आयोग की सिफारिश पर 1984 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो विश्वविद्यालय की संख्या पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की है। दूसरा विश्वविद्यालय की सीमा को निर्धारित करने का जो अधिकार सिर्फ वायसराय को प्रदान कर दिया गया था। सीनेट के सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी और कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश गुरुदास मुखर्जी ने इसका विरोध किया था। कर्जन के कार्यकाल 1904 में प्राचीन स्मारक क्या है परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पहला भारत में पहली बार जो प्राचीन इमारतों पर ध्यान देने की कोशिश की गई थी। ओके डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी के नेतृत्व में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। दुर्लभ वस्तुओं के लिए संग्रहालय बनाने का शुरुआत की गई थी। कर्जन के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवादित कार्य 1905 में क्या बंगाल का विभाजन माना जाता है। 1 फरवरी 1904 में कर्जन ने पूरी बंगाल और आधुनिक बांग्लादेश का दौरा किया था। 19 जुलाई 1905 को शिमला हिमाचल प्रदेश में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था। 17 सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कब इसको स्वीकृति प्रदान की थी बंगाल विभाजन को, ये देखिए सितंबर, मैंने पहले राउंड में इसको नहीं समझाया था लेकिन सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा बंगाल विभाजन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ओके बंगाल दो भागों में विभाजित हुआ, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल का 5,40,00,000 जनसंख्या थी। बिहार उड़ीसा भी शामिल थे और ब्रिटिश भारत के मुख्य सेनापति लॉर्ड किचनर और जो कि मतभेद चलते 1905 में क्या कर्जन ने वायसराय के पद से त्याग पत्र दे दिया और वापस इंग्लैंड चला गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे क्लास की वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हैव एन अवेसम डे। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, फिर से हम वॉइस लाइक बारे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके थैंक यू सो मच।